हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर रेड्डी शेयर के बारे में। दोस्तों, डॉक्टर रेड्डी का अभी रिजल्ट आया जो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर रेड्डी का शेयर हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए और इस पर ब्रोकरेज की क्या राय है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसका जो मुनाफा जो है वो 29% लगभग 30% तक गिर गया और जो कंपनी का मुनाफा 707 करोड़ रुपये तक ही रह गया। रिवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा घटा है और आय में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। दोस्तों, इस पर बड़े बड़े ब्रोकर जो है उन्होंने इस शेयर को बाय करने की सलाह दी है और उनका कहना है कि कंपनी जो है आने वाले समय में अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विस्तार करने वाली है, जिससे इस कंपनी को बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचेगा और जो इसका शेयर प्राइस है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और उन्होंने इस शेयर का जो टारगेट है वो लगभग 6,000 रुपये के आसपास कर दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कंपनी अपने कार्य क्षेत्र में बहुत तेज़ी से विस्तार करने वाली है और धीरे धीरे कंपनी कई क्षेत्र में भी काम कर रही है, जिससे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुँचने वाला है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।